जिस शख्स को मामूली ठग समझ एटीएम फ्रॉड मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर निकला। गिरफ्तार इस शूटर का नाम प्रकाश बताया गया। भारत नेपाल बॉर्डर के जोगबनी इलाके में पुलिस ने दबोचा है। जोगबनी रेलवे स्टेशन के पास एटीएम फ्रॉड मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। वो राजस्थान के बीकानेर में एक होटल से जुड़े फिरौती मामले में मोस्ट वांटेड है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर कृष्ण कुमार उर्फ जय प्रकाश राजस्थान के बीकानेर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। साल 2023 में बीकानेर जी ग्रुप के होटल में 1 करोड़ की फिरौती मामले में उसे अरेस्ट किया गया था। इल्जाम है कि होटल में प्रकाश ने ताबड़तोड़ 16 राउंड फायरिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद उसे बीकानेर के रिमांड होम में रखा गया था। वहां से खिड़की तोड़कर वो भाग निकला और नेपाल के विराटनगर में पनाह ले लिया। गिरफ्तार प्रकाश साइबर क्राइम को भी अंजाम देने में माहिर है।